नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भले ही सिनेमाई पर्दे पर कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन पूरे देश में खबरों के मामले में बॉलीवुड ही छाया हुआ है। कंगना रनौत हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, या रिया चक्रवर्ती हो, या जया बच्चन हो, या रवि किशन हो, या उर्मिला मातोंडकर हो, लगातार फिल्मी हस्तियों के जरिए ही खबरें बन रही है। लेकिन इन सबसे इतर आपको बिहार की खबर बताते हैं, क्योंकि बिहार की खबर भी जाननी जरूरी है। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़े गठबंधन एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार तनातनी बनी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद जिस तरीके से उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो सीटों के फॉर्मूले पर बात हो गई है। हम आपको सूत्रों के हवाले से जो सीटों का बंटवारा तय हुआ है वो बता देते हैं। दरअसल सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पे तय हुआ है। 50-50 का यह फॉर्मूला कैसे है? 243 सीटें हैं। 243 सीटों में से लगभग 121 से 125 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन जदयू के साथ दिक्कत यह है कि जदयू को अपने हिस्से से, जेडीयू अपने हिस्से से कुछ सीटें हम पार्टी को देंगे, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। जीतन राम मांझी की पार्टी को यह कहा जा रहा है कि लगभग 7 सीटें गया के इलाके में दी जा सकती हैं। यह भी अभी तय नहीं हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी सीटों को कम भी किया जा सकता है। यह आपसी तालमेल की बात होगी जेडीयू और हम के बीच में, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के हिस्से में जो सीटें आती हैं, इस हिस्से की सीटों में से यह कहा जा रहा है कि एलजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि लगभग 121-122 सीटों में से एलजेपी की मांग है कि वह 60 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे। इसके लिए हम आपको पहले पुरानी रिपोर्ट बता देते हैं। जब वहां पर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी और एलजेपी साथ थी। उस वक्त जेडीयू आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ उसने चुनाव लड़ा था। उस वक्त 40 सीटें लोजपा को दी गई थी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसको एलजेपी को 40 सीटें दी गई थी। लेकिन उसमें से विधायक सिर्फ एक ही बने थे। ऐसे में पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ये कह रही है कि एलजेपी मैक्सिमम 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, उससे ज्यादा सीटें उन्हें नहीं दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि इसके पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो अमित शाह थे। अमित शाह के लिए ये कहा जाता है कि वो टफ बार्गेनर है। वो अगर एक बार कह देते हैं तो अपनी बातों पे थोड़ा डटे रहते हैं और सामने वालों को भी बात मनवा लेते हैं। लेकिन जेपी नड्डा के लिए ये कहा जाता है कि वो थोड़े सॉफ्ट बार्गेनर हैं। अगर उनके सामने चिराग पासवान यह मांग रख रहे हैं कि उन्हें लगभग 60 से 70 सीटें चाहिए, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनके लिए मुश्किल बन सकता है। और ये कहा जा रहा है कि उन्हें बमुश्किल 30 से 35 सीटें ऑफर की जा सकती हैं। इसमें भी बहुत सारी सीटें ऐसी होने वाली है जहां पर उनके सांसद ऑलरेडी जीते हुए हैं। ऐसे में खुद जमुई से कुछ विधायकों को टिकट दिया जा सकता है, खगड़िया के कुछ विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिया जा सकता है, समस्तीपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर टिकट दिया जा सकता है, और एक और क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है कि हाजीपुर के भी कुछ विधानसभा सीटों पर टिकट एलजेपी को दी जा सकती है। तो इन्हीं 4 संसदीय क्षेत्र में एलजेपी की टिकटों को बांटा जा सकता है। हालांकि एक सीट पटना की भी मांग की जा रही है एलजेपी की तरफ से, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। तो ऐसे में बस थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन यह बातें अब तय हो गई है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर हो रहा है, जिसमें से 50% सीटें जेडीयू के खाते में जाएगी। जेडीयू उसी में से हम पार्टी को टिकट देगी और बीजेपी के खाते में 50% की सीटें आएंगी, उसमें से कुछ सीटें एलजेपी को दी जाएगी। तो बस थोड़े ही दिनों का इंतजार, जब विधानसभा चुनाव की तारीख आ जाएगी उसके बाद सीटों का ऐलान भी हो जाएगा और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है।